लेखपाल के आगे तहसीलदार एसडीएम या डीएम की कोई औकात नहीं है। जो लेखपाल लिख देगा उसे डीएम भी नहीं काट पाएगा, ये कहना है खुद रायबरेली के एक लेखपाल का। फोन पर हुई बातचीत के दौरान लेखपाल के ये बोल वायरल हुए तो प्रशासनिक अमला तमतमा उठा। जांच के नाम पर सालों फाइलों को लटकाने वाले आला अधिकारियों ने लेखपाल की आवाज को सही मानते हुए उसे सस्पेंड कर दिया। मामला सदर तहसील से जुड़ा है। वायरल ऑडियो के मुताबिक मिथिलेश कुमार नाम के लेखपाल ने अपने हलके में किसी की जमीन नापनी थी और लेखपाल टाल मटोल करता रहता तो फरियादी ने वजह जानी। वजह लेन देन से जुड़ी थी। ऑडियो के मुताबिक कथित लेखपाल जमीन नापने के एवज में पहले 1.5 फिर 1 लाख में तैयार हुआ। फिलहाल ऑडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है। तो बीच में ज्यादा बतावत रहो ना साहब। हेलो, हाँ हाँ साहब, 1.5 करवा दो। 1.5 हजार जाता है साहब। ज्यादा कहाँ, ऊपर साहब 1.5 ज्यादा है साहब। हम कहाँ कर पाए साहब, तो बनी ना भाई। हम तो कहें ना ना बनाए, हमको उसको हम तो कहा तो नहीं है ना पंचन थे कतई, ठीक हम तो कहा तो नहीं है ना। ठीक ठीक साहब, तो फिर मुलाकात ना कराओ ना कर, जैसा कहो आप साहब। हम तो दिन का बात कह रहा है, पहले दिन सही बताओ का? जोने दिन बैठ रहो दुकान पर, ध्यान करो। 5 का इधर बतान रहा है। उधर का तो बात है छोड़ो, हमका उधर मान लियो सारे के यहाँ काम होता रहा, हम तो है हमका उधर ही दे हो, लेकिन आप उधर बहुत ज्यादा बताओ। उधर रहो, उधर का 5 रहा, इधर का 2 रहा। इधर का 2 नहीं रहा। आप जितनी बात हम कहा वो एकदम क्लियर कहा भी मान लियो, जो आप हमसे कहो या बात वो बात कहो आप। चलो ठीक, 1 ले गया। एक, अरे तो कहा पहले ही नहीं लियो होगा पूरा आओगा। अरे पहले मान लियो, अब हमारा कोनो कामो नहीं भवा भाई, ऐसा नहीं ना आओगा समझो। अब सब जने रोक लगा दिए तो दो देखो का कुछ नहीं, वो देखो का कहा था तुम्हें आगे, कहा था हमका भैंसी बांधे को जगह चाहिए पहले। वैसे मतलब नहीं ना, हाँ तुम आओ 9 बजे मिलो सुबह। चलो ठीक, सुबह सुबह हम फोन करब आपको सामान के साथ में। चलो ठीक, सुबह फोन करब आपको। तहसील सदर क्षेत्र में आज एक घटना इस तरीके की प्रकाश में आई है, जिसमें एसडीएम सदर द्वारा नए तहसीलदार से इस प्रकरण की जांच करवाई गई। इनिशियली जो प्रारंभिक जांच में उनकी जांच रिपोर्ट आई, उसके आधार पर संबंधित लेखपाल को, जिसके विषय में ये शंका है कि वो आवाज़ उसी की है, तो उस पर कार्रवाई करते हुए उसको सस्पेंड कर दिया गया है और उसको चार्जशीट जारी की जा रही है। इसके बाद जो फाइनल जाँच होगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से उस पर फाइनल कार्रवाई की जाएगी।